पहले करते हैं फजाऊ की सैर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत? आपका होस्ट राना इशाक आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं झंड के एक चुन पुल के मुकाम पे खड़ा हूँ। ये बहुत पुराना पुल है, 1914 में इसकी बुनियाद रखी गई ब्रिटिश दौर में। इस पुल के ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है। मेरे साथ अता भाई झंड के लोकल हैं, ये आपको इसकी तफसील बताएंगे, किसने बनाया, कैसे बना और ये किस पोजिशन में इस वक्त। चले अता भाई बोले। जी अस्सलाम वालेकुम इशफाक भाई, ये बहुत ही तारीखी पुल है। ये आज से 117 साल पहले ब्रिटिश दौर में बनाया गया था। बरतानवी इंजीनियर्स ने ये बनाया था और ये जंग से तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पे चुन बरवाना का ये इलाका है जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं। चुन बरवाना के इलाके में ये बनाया गया था दरियाए चनाब पर। इसकी नबाई तकरीबन 1 किलोमीटर है और इसकी लंबाई 1 किलोमीटर है तकरीबन। इसका नाम बहुत ही ज़बरदस्त पॉपुलर रिवाज ब्रिज के नाम से ये मशहूर है। तो इस वक्त ये ट्रैफिक के लिए चल रहा है या ख़त्म हो गया है, या यही पुल है या कोई और पुल भी बनाए इसकी ट्रैफिक के लिए? ये इशफाक भाई तकरीबन 100 साल तक तो ये इस्तेमाल होता रहा रोड ट्रैफिक के लिए और ट्रेन ट्रैफिक के लिए, लेकिन खस्ताहाली की वजह से और ब्लॉकेज की वजह से जब ट्रेन गुजरती थी तो वो रोड दूसरी ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर देते थे, उनको बंद कर देते थे। फिर ट्रेन गुजरती थी रश बढ़ जाता था ट्रेन के गुजरते गुजरते, वो फिर रश और ज़्यादा बढ़ जाता था। कभी कभी तो 10-10 घंटे ट्रैफिक जाम रहता था। सही, मेरा ख्याल है जो नया पुल बना, मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके वो नया पुल बना है, दिखाएंगे? हाँ जी भाई, हाँ जी। अब रोड ट्रैफिक के लिए वो इस्तेमाल हो रहे हैं और ट्रेन के लिए अभी भी यही पुल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया भाई आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको जो चुन भुराना मुकाम पर रवाज ब्रिज है उसकी वीडियो आपको कैसी लगी,
अगर आपको ये वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।